भाई इसकी स्पीड ये रही आपकी पेगासस ज़ेंटॉर्नो, बहुत ओपी कार है यार ये सच में। 250-300 तो ऐसे पहुंच जाती है, फुल्ली अपग्रेड कराओ तो। सब्सक्राइब वाला लाल बटन चिपका देगा इस, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, क्या हाल सबके। आज हम ढूंढेंगे अपनी एक बहुत रेयर कार, बहुत फास्टेस्ट स्पीड है उसकी, नाम है उसका शायद पेगासी ज़ेंटॉर्नो। बहुत ओपी कार है, वेनेनो जैसी है, लंबोर्गिनी बिल्कुल वैसे ही कार है। अब उसको हम ढूंढने जाएंगे, हम लोकेशन मार्क कर देते हैं मैप खोल के, क्योंकि वो गाड़ी जो है एक पर्टिकुलर एक जगह पे ही मिलती है। तो भाई लोग ये लोकेशन सही से देख लेना, क्योंकि इसके अलावा पूरे में कहीं नहीं मिलेगी वो कार, मुझे तो नहीं लगता मिलेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मिली थी। ये रही लोकेशन, यहाँ पे एक बिल्डिंग होती है, पार्किंग स्लॉट, पार्किंग एरिया है एक्चुअली ये, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाती है इसकी जगह, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर कार खड़ी रहती है। 3 कार स्पॉन्स होती हैं उसी सेम जगह पर, कभी एक मैकलरन जैसी स्पॉन होती है, तो कभी ये वाली कार स्पॉन होती है, और कभी एक गंदी सी कार स्पॉन होती है जो पता ही है, मतलब मोस्टली घूमती फिरती मिल जाती है। वो चाहिए नहीं हमें, हमें चाहिए पेगासी ज़ेंटॉर्नो जो बेस्ट है उन तीनों में से, तो हम वही लेने जाएंगे। बाकी क्योंकि इसमें एक भी मॉड यूज़ नहीं किया मैंने, ना ही कोई चीट से स्पॉन करी, क्योंकि ना कई लोग करते हैं कि मतलब मॉड लगा दिया, कार वहाँ पे स्पॉन करा दी, फिर उसके बाद कार लेके आगे दिखा दिया कि वहाँ पे कार स्पॉन है, तो सीधे सीधे चूतिया बना देते हैं। मेरी ड्राइविंग को ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि सलमान भाई ऐसी है, और ये कार जो है ये खुद की, इसकी फ्रैंकलिन की खुद की कार है, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ना है नहीं, थोड़ी देर बाहर खड़ी कर दो, अपने आप रिपेयर हो जानी है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं आराम से कार ढूँढने, देखो मिलती है नहीं मिलती है पहली बार में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक बार में नहीं मिलती है, तो लोग कहते हैं कि ये मतलब नहीं मिली, फेक थी। लेकिन बार बार अगर वहाँ पे कभी कभी 2-3 बार जाओ ना, तो उसमें से एक ना एक बार वही ज़ेंटॉर्नो मिल जाती है। बाकी कोई और कार भी स्पॉन हो सकती है वहाँ पे, अब देखते हैं इस बार कौन सी स्पॉन है। और यहाँ पे लग नहीं रहा कोई स्पॉन, अरे ये वही गंदी वाली कार स्पॉन है जो हमें नहीं चाहिए थी। वाली कार मेरे को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि ये कार तो बाहर मिलती है, बस मॉडिफाइड करी हुई कार है, छोड़ के ही जाएंगे अब। फिर एक यही है कि लास्ट ऑप्शन के थोड़ा घूम लो, फिर वापस पार्किंग स्लॉट में जाओ, फिर ना स्पॉन हो तो फिर से घूम लो, फिर पार्किंग स्लॉट में जाओ। तो अभी हम दोबारा पार्किंग स्लॉट में जा, अरे ये क्यों ज़्यादा ही पलटने लगी। पार्किंग स्लॉट में हम फिर से जा रहे हैं, अब देखते हैं अब कौन सी स्पॉन है। ये कोई स्पॉन नहीं है, देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई भी स्पॉन नहीं होती, पूरा पार्किंग एरिया ही खाली होता है, बस यही है वरना। क्योंकि ना अगर ये कार अगर तुम खरीदोगे तो अप्रॉक्स नहीं तो बहुत पैसा चाहिए, 56 लाख या 55 लाख डॉलर्स के आसपास चाहिए, काफ़ी महंगी कार है, तो इतना फंड होता नहीं है स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में कार चाहिए तो इतना अमाउंट होता नहीं है, मिशन हो ही नहीं होते हैं, आराम से मिल सकती है यहाँ पे कार, इसीलिए यारी कार मिल ली है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसे ठोक ठोक के ही ख़त्म कर दो, शायद कोई और मिले। फिलहाल देखते हैं, घूमते रहते हैं भाई। एक्चुअली ये वीडियो हो जाती बहुत लंबी, तो मैंने वहाँ से फिर वही कार उठा ली, और फिर मैं घूम रहा था इस कार से ढूंढने के लिए दूसरी कोई कार, तो यहाँ पे मैंने ये कार चेंज करी दोबारा वहाँ पे स्लॉट में जाने के लिए। मेरे को यहाँ से प्यारी सी कार दिखी, वो जा रही है। अब ये कार जो होती है ये भी स्पॉन हो जाती है वहाँ पे, 3 कार स्पॉन होती हैं, ये जो लेफ्ट में खड़ी थी, एक वो आगे जा रही है, और एक भाई अपनी पेगासस ज़ेंटॉर्नो जो हमें चाहिए, तो ये वाली कार स्पॉन वहीं पे होती है। पता नहीं है यहाँ पे क्या कर रही है, तुक्का लग गया है जो ये यहाँ पे रोड पे चलती मिल गई, वैसे मिलती नहीं है। अब इस गाड़ी में बैठ के हम ढूंढेंगे दूसरी वाली कार रियल जो हमें चाहिए ही है।
देखते हैं वो कार इस बार मिलती है नहीं मिलती है, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे हमें। लेकिन वो कार बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत हाई पावर की कार है, बहुत ही ज़्यादा कार। तो यार ये भी बहुत ओपी है कसम से। अब इस कार को ढूंढते ढूंढते लग रहा है शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक हमें वो पेगासी मिली नहीं है। अब दोबारा एक बार इस कार से जाके देखेंगे, शायद एक आध बार कम से कम इतनी बार राउंड मार लिए, एक आध बार तो मिल जाए ना, एक आध बार मेरे को वो कार मिल जाए, मैं अपने गैराज में रखूँगा और दोबारा उसे जाने नहीं दूंगा। बड़ी मेहनत लगती है यार कार ढूंढने में, शायद इस बार मिल जाए भाई। भाई जाने दे बे यार, रो के पड़े गाड़ी ठोक रहा है इतनी प्यारी गाड़ी पे। अरे यार अभी भी नहीं है, एक राउंड और मार के आते हैं आगे का, शायद अब मिल जाए यार। ये प्यारी गाड़ी है, बंदे खुद आके मर रहे हैं गाड़ी से। ये यार बहुत प्यारी गाड़ी है, इसकी स्पीड भी बहुत भर है यार। ठीक है, जैसे ये कार ही मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि एक ही कार तो ले जा सकता हूँ मैं गैराज तक, तो फिर मैं वही पेगासी लेके जाऊँगा अगर मिल जाती है तो। इस बार देखते हैं यार मिल जा, चलो चलते हैं भाई। खड़ी है, मिल गई। ओ भाई मिल गई यार, देखो कार क्या ओपी है यार। इस कार को मैं पहले घर ले जाऊँ या गैराज, ये समझ नहीं आ रहा। पहले गैराज, पहले कस्टम्स पे लेके जाता हूँ, फिर इसे फुल अपग्रेड कराता हूँ, फिर गैराज में खड़ी करूँगा आराम से। भाई क्या ओपी कार है यार, मज़ा आ गया कसम से। इसमें बैठे गए, अब स्पीडोमीटर लग रहा है आसमान छुएगा। चलो अब चले गए गैराज पे, यहाँ से निकलो, मार्क लगाते हैं गैराज पे आराम से। चलो बिना मार्क के चल देंगे, लगा देते हैं। चलो मार्क लगाते हैं गैराज पे, कस्टम्स पे, ये वाला कस्टम सबसे पास है, चलो इस पे चलते हैं। पीछे से जाना भाई, कार ठोकनी नहीं है यार, बहुत प्यारी कार है। रिपेयर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठोकेगी तब भी क्या दिक्कत है। लेकिन यार कार की स्पीड भाई, जो एक्सेलरेशन टाइम है भाई, वो भी है यार। कार को जल्दी से लगा दो गैराज में, रिपेयर कराओ फुल। आप देख लेना, क्योंकि ये कार मिलनी डेफिनेटली तय है वहाँ पे, दो चार राउंड में मिल जाएगी। अगर पहले में नहीं मिली, हो सकता है पहले में ही मिल जाए, लेकिन मिलना पक्का है ये, क्योंकि कोई मॉड नहीं है इसमें लगा हुआ, ना ही कोई चीट कोड से मंगाई गई है, खुद जैसे देखा है वैसे ही आई है। हम रिपेयर कराएंगे यहाँ पे सुपर कार, जो सुपर लगा हुआ है नो सुपर है, रिपेयर कराओ फुल जल्द। आर्मर, आर्मर, ब्रेक्स, चेसिस, इंजन एग्जॉस्ट, आर्मर 100% अपग्रेड, ठीक है। ब्रेक्स, ब्रेक सबसे बेस्ट, महंगे वाली हर चीज़, चेसिस यही लगेगा, यही वाला। इंजन सबसे महंगा वाला, एग्जॉस्ट सबसे महंगा वाला, ठीक है। हुड सबसे महंगा वाला लगा हुआ है ऑलरेडी। हॉर्न स्टैंडर्ड क्लाउन, में हर कार में अपना क्लाउन हॉर्न लगा दो, सबसे बढ़िया लगता है। हेडलाइट नियॉन हर कार की तरह, और नियॉन के लेआउट नीचे की लाइट्स जो होती हैं वो कलर पर्पल, बढ़िया है। चलो आगे, अब क्या बचा? लाइट्स, प्लेट नंबर प्लेट ब्लैक, और इस पर प्राइमरी कलर क्रोम कराएंगे, इस पर क्रोम कलर बहुत प्यारा लगेगा। करा लिया डन, और सेकेंडरी कलर कराते हैं इसमें, देखते हैं कौन सा बढ़िया लगता है, ब्लैक, रेड, ब्लू, ब्लू सही लगेगा शायद। हाँ ये ब्लू बढ़िया है, चलो यही करा लेते हैं। ओपी लग रही है कार, बहुत ओपी। बाकी स्कर्ट्स तो स्ट्रीट स्कर्ट पहले वाले बढ़िया थे, क्योंकि वो कलर से मैच कर रहे हैं। स्पॉयलर भी इसका डिफ़ॉल्ट वाला बढ़िया है, वो उसमें फिन शार्क फिन की तरह खड़ा हुआ है पीछे से, ओपी लग रहा है। टर्बो एक्सट्रीम करा लो, व्हील टाइप, व्हील डिज़ाइन, स्मोक पेट्रोइट सबसे बढ़िया, अलग अलग रंग बदलता है बर्नआउट पे, कलर वही रहेगा। और बाकी देखते हैं टायर डिज़ाइन, टायर डिज़ाइन
हो गया टायर एनहेंसमेंट, बुलेट प्रूफ कराना है, डिज़ाइन एटॉमिक कराना है। एटॉमिक डिज़ाइन कहाँ, यहीं पे तो होगा ना। टायर डिज़ाइन एटॉमिक करते हैं, चलो कस्टम टायर्स एटॉमिक डन। और टायर एनहेंसमेंट बुलेट प्रूफ हो गए, कोई गोली पार नहीं कर पाएगी ये गाड़ी को। हमें बहुत काम करना है इस गाड़ी से, चोरियाँ करके लानी है इस गाड़ी से हमें अलग अलग नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी विंडोज़ ब्लैक, अंदर का कोई देखे ना क्या हो रहा है, गंदी हरकतें। चलो हो गया, इतना काम हो गया, अब इसे लेके जाते हैं हम घर। बाकी घर पहुंच के देखते हैं क्या होता है। अब हम आ चुके हैं घर इसके, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग पे लगा देंगे अपने गैराज में, आराम से खड़ी कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक बाइक खड़ी है, पहले हम उसे हटाएंगे। हायाबुसा जैसी बाइक खड़ी करी थी मैंने, सुजुकी की जैसी होती है, लेकिन ये सुजुकी नहीं थी, जैसे कि आपको पता है कोई ऑफिशियल जो रियल में ब्रांड होती है उसका ये एक्चुअल नेम नहीं डालते हैं। जैसे एप्पल आईफोन की जगह आई फ्रूट लिख दिया इन्होंने, वैसे ही एक्चुअल नेम नहीं डालते हैं, थोड़ा चेंज करके डालते हैं, पता नहीं क्यों। इसमें सुजुकी का पता नहीं क्या लिख रखा है ये। चलो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, अपने को क्या दिक्कत है, बैठो चाचा, लगाओ गाड़ी अंदर बिना ठुके बिना ठुके। दो दो टायर कैसे रखे हैं, फटाफट आगे बढ़, और आगे और आगे थोड़ा और गया, बस उतरो बाइक वापस लगा के घर, और कुछ नहीं बचा। ये कार हमारी लग गई है, बहुत महंगा माल है इस गैराज में। एक मस्टैंग जीटी खड़ी है, बिल्कुल अपग्रेडेबल फुल्ली, और एक यहाँ पे जेन टॉर्नो हो गई, एक हायाबुसा हो गई, एक डॉज चार्जर हो गई, ओपी। अब यहाँ पे सेव कर देंगे, नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं अगली चोरी के साथ।